तेज सूरज सा लिए हम, तेज सूरज सा लिए हम, शुभ्रता शशि सी लिए हम, पवन सा गति वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाएं, है प्रबल संकल्प इतना, सफल हों सब कल्पनाएं, सफल हों सब कल्पनाएं। नमस्कार, आज विमेन्स इक्वलिटी डे यानी महिला समानता दिवस है। हर वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाने वाला विमेन्स इक्वलिटी डे जीवन और समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और समानता के लिए किए गए निरंतर संघर्षों को दर्शाता है और समानता की दिशा में जारी प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। नारी के अस्तित्व के महत्व को इंगित करता तथा सेलिब्रेट करता है विमेन्स इक्वलिटी डे। अमेरिका में महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार चल रहे महिलाओं के संघर्ष के चलते हर वर्ष 1971 से 26 अगस्त के दिन को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और यह दिन इस बात के महत्व को चिन्हित करता है कि ग्लोबल वर्कप्लेस यानी वैश्विक कार्यस्थल में महिलाओं के प्रति एकजुटता, समर्थन और आदर की भावनाओं को बल मिले। हरियाणा में महिला समानता के इस वैश्विक आंदोलन की क्या स्थिति है और ये हमने कितनी सफलता इसमें हासिल की है, तो इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे मध्य दो सशक्त महिला रोल मॉडल्स हैं, श्रीमती जयवंती शोकन जी जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और श्रीमती सुशीला धनखड़ जी एडवोकेट हैं जो जी। तो मैम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस शुभ कार्यक्रम में आने का और हमारे साथ विचार अपने साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारा सबसे पहला सवाल है कि आपका लोक सेवा में इतना लंबा कार्यकाल रहा है, तो जब आप सर्विस में आए थे शुरू में और अब तक, अब इस समय में नारी समानता के प्रसंग में आपको क्या अंतर दिखता है जब आप शुरू में आए थे और अब जो ये टाइम चल रहा है, क्या आप कोई डिफरेंस महसूस करते हैं नारी समानता की बात को लेकर के? जी हाँ, जब मैं सर्विस में आई तब तो नारियों की समानता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन जब मैंने अपने गांव के स्कूल में शुरू में जब स्कूल में जाना शुरू किया तो मैं पूरे गांव में केवल एकमात्र मैं ही छात्रा थी। आप केवल तो, एकमात्र छात्रा थी? हाँ, मेरे गांव के स्कूल। आपके गांव के? यस। आज इस वक्त यानी 60-70 साल के पश्चात बहुत ज़्यादा जागृति आई है समाज में भी और महिलाओं की स्थिति तो काफ़ी सुधर गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और आगे आती हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का है, सेना पुलिस तक में महिलाएं, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स कॉलेजेस में काफ़ी संख्या लड़कियों की होती है, ये देखकर बहुत खुशी होती है। तो मैम जब आप आए थे उस टाइम जो आपका वर्क प्लेस में आपने जो एटमॉस्फेयर था और अभी आज का अगर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर है फॉर फीमेल्स, नारियों के लिए, महिलाओं के लिए, क्या उसमें कोई अंतर आपको दिखता है उनके अधिकारों को लेकर के या उनके प्रिविलेजेस को लेकर के उस टाइम में और अब के टाइम में जब आप रिटायर हुए उस टाइम तक? हाँ बिल्कुल, जब हमने नई नई नौकरी शुरू की थी स्टेट सिविल सर्विस में और जब हम अंडर ट्रेनिंग हुआ करते थे और गांव में जाते थे तहसीलदार, पटवारी इत्यादि का काम सीखने के लिए शुरू में अंडर ट्रेनिंग पीरियड में, तो लोग ये हैरानी प्रकट करते थे कि देखिए ये महिला है और इसका कहना ये पुरुष लोग हैं जो तहसीलदार लोग हैं ये भी मानेंगे, तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगता था। और कुछ एक विलेजेस में तो महिलाएं सिर्फ ये देखने के लिए इकट्ठी हो जाती थी कि ये देखेंगे कि महिला कैसे ऑर्डर करती है जिसका कहना आदमी भी मानेंगे। उस समय बहुत आश्चर्यजनक बात लगती, काफ़ी आश्चर्यजनक लगता था विशेष करके ग्रामीण महिलाओं को। तो बहुत अंतर आपको देखने को मिल रहा है ना? जी हाँ, काफ़ी अंतर देखती हूँ। जैसे सरकारी दस्तावेजों में बहुत सारे नियम और कानून बताए गए हैं कि पुरुष और महिलाओं के अधिकारों में समानता है, लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि धरातल पर ऐसा नहीं है, ऑन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या कारण है इसके और इसमें कैसे इसको बदला जा सकता है? अभी तो मैम जैसे
पहले के मुकाबले काफ़ी वो डिफरेंस है कि क्योंकि पहले तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से काफ़ी पीड़ित थी, अब डोमेस्टिक वायलेंस जो है घरेलू हिंसा है, और जैसे समानता भी नहीं थी पुरुषों के इक्वल, लेडीजें घर पे ही रहती थी, जेंट्स बाहर जाके काम करते थे। अब इस चीज़ में काफ़ी बदलाव तो आ चुका है एजुकेशन को लेके, क्योंकि अब लड़कियां भी बाहर जाके सर्विस करने लगी हैं, फिर भी जो गांव के परिवेश में है, जो पहले के जो अनपढ़ बुजुर्ग हैं या आजकल के भी जो जैसे थोड़ा सा नशे के ग्रस्त में जो हैं, वो लेडीज़ों पर काफ़ी बाउंडेशन भी लगाते हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, इसमें समानता का अधिकार है, महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी का अधिकार है। तो क्या मैम लेकिन असलियत में ऐसा है कि उनको सारे वो प्रिविलेजेस, सारे अधिकार जो पुरुषों को मिलते हैं, क्या महिलाओं को भी मतलब रियलिटी में, मतलब असलियत में ये चीज़ लागू की नहीं, जाती है? अब कुछ फैमिली में तो हो चुका है, जैसे कुछ पढ़े लिखे परिवार हैं उनमें तो अब हो चुका है इक्वलिटी, लेकिन कुछ परिवार अब भी ऐसे हैं जिसमें कि भाई लेडीज़ को फाइट करना पड़ता है अपने अधिकारों के लिए। फाइट करना पड़ता अब हम देखते हैं जैसे कोर्टों में जैसे ज़्यादातर फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो विचारों की भिन्नता की वजह से मिसमैच जो हो रहे हैं उन वजह से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जैसे घरेलू हिंसा है जो लेडीज़ के लिए बनाया है सरकार ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, अगर घर में कोई लेडीज़ पर घरेलू हिंसा होती है तो वो कोर्ट में आए, तो अब देखते हैं हम कि बहुत ज़्यादा संख्या अब इसमें बढ़ी हुई है, और इस वजह से जो परिवार हैं परिवारों पे भी काफ़ी, फैमिलीज़ पे भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं, हाँ जी, जागरूक हैं वो अपने अपने अधिकार जानती अधिकारों के हैं, प्रति, वो अपने अधिकार जागरूक जानती हैं। हैं, तो वो वहाँ पर फाइटिंग हो जाती हैं, हाँ वो जी, कहती नहीं ये मेरा अधिकार है, मैं नहीं ये आप मुझे ऐसे करने से नहीं रोक रोक सकते, सकते। तो वो वहाँ डिस्प्यूट बढ़ते हैं, तो डिस्प्यूट बढ़ते हैं तो वो कोर्टों की तरफ भागते हैं, महिला थाने में भाग जाती हैं, महिला लेडीज़ वुमेन्स हर जगह वो बन चुके हैं थाने, तो वो वहाँ जाती हैं, तो वहाँ भी उनकी आवाज़ को दबाया जाता है कि भाई आप ऐसा मत करो, परिवार वाले भी ऐसे कहते कि भाई नहीं आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको ये जैसे कहते वैसा करना पड़ेगा। अब जेंट्स क्या है कि ज़्यादा नशे की ग्रस्त में रहते हैं, अब वो कुछ खुद तो कुछ करके खुश नहीं है, और लेडीज़ से चाहते हैं कि भाई वो घर से बाहर भी ना जाए और ये सब पॉसिबल भी हो, तो इस चीज़ों में बड़ा ही डिस्प्यूट इनबैलेंस हो रहा है, तो घरों में जो है झगड़े बढ़ रहे हैं, अब घर जो टूट रहे हैं, तो जुडिशरी भी इसमें मीडिएशन सेंटर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, समझौता सदन, अब एक कानून बना दिया कि भी कोई भी मुकदमा सबसे पहले मीडिएशन सेंटर में आए, महिला थाने से डायरेक्ट मीडिएशन सेंटर में आए, उसके बाद कोर्ट में फाइल हो, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि भाई उनको पहले समझाने से की हाँ उसका डिस्प्यूट सेटल हो डिस्प्यूट जाए। सेटल हो जाए, कि भाई उनको समझाएं कि भाई आप अपने नहीं अधिकारों को, इनके भी इक्वल राइट्स हैं, तो आप हाँ जी, इनको इनके अधिकार इनको अधिकार जीने दें, प्रदान किए अब जाए। ये पढ़ी लिखी हैं जो बाहर जाके सर्विस करना चाहती है तो इनको सर्विस का इनको फ्रीडम दी जाए, आर्टिकल 14 के तहत इनको भी फ्रीडम है इक्वलिटी की, तो इनको फ्रीडम दी जाए, इनको बोलने का आर्टिकल 19 है जो भाई औरतों को भी बोलने का अधिकार है, उनको बोलने का अधिकार दिया जाए। लेकिन अब ऐसा ये काफ़ी इस वे में जाके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं। मैम आपकी अनुभवी नज़र में अधिकारों की समानता का क्या मतलब है? नारी के जो अधिकारों की समानता को आप कैसे परिभाषित करेंगी? देखिए, भारतीय संविधान में तो इक्वेलिटी दी हुई है हाँ जी, और बहुत क्षेत्रों में नारी को समानता के अधिकार मिले हुए हैं, और वो उस समानता को भोग भी रही हैं, एंजॉय करती हैं उसको, ठीक है। हाँ जी, किंतु कुछ क्षेत्रों में काफ़ी असमानता भी है, जैसे आपने मैम ने वहाँ बताया बताया है। हाँ है जी, कि इस तरह के डिस्प्यूट हो रहे हैं। इन डिस्प्यूट्स का एक कारण ये भी हो सकता है कि वुमेन जो है ना वो डबली बर्डन्ड हो गई हैं, हाँ जी, बाहर नौकरी भी करना है, व्यवसाय, परिवार, हाँ, और परिवार को भी पालने की ड्यूटी ड्यूटी, पुरुष वर्ग अमूमन लेना नहीं चाहता है, हाँ जी, और उसी का दुष्परिणाम ये होता है कि परिवारों में लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें शुरुआत हो जाती है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी परिवार के सदस्यों के बीच में, फिर तो काम ठीक चलता है। नहीं तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जितनी भी महिलाएं, कामकाजी महिलाएं हैं खास करके, वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन महसूस करती हैं इस मामले में कि घर की भी ड्यूटी है और बाहर की भी ड्यूटी है। हाँ जी,
अब संविधान की बात अलग है, लेकिन धरातल पर जो वास्तविकता है घरों में, वो थोड़ा सा संविधान से अलग है। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है, जैसे ठीक है नौकरी कर रही है महिलाएं हर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, और अपना अच्छा योगदान दे रही है खूबसूरती से, डिलीजेंस से, डिटर्मिनेशन काफ़ी है, डिवोशन टू ड्यूटी है, सारी क्वालिफिकेशन है महिलाओं में। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि परिवार को बच्चों को पालने की भी ड्यूटी उनके ऊपर होती है, अगर परिवार के सदस्य सहयोग ना दें तो ये ड्यूटी नज़रअंदाज हो जाती है, और अगर दूसरा परिवार के सदस्य अगर सहयोग नहीं देते हैं तो वो ओवरबर्डन महसूस करके बच्चे निग्लेक्ट भी हो जाते हैं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण में, इक्वालिटी में परिवार के सदस्यों का, समाज का सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हाँ, बहुत ज़्यादा आवश्यक। कई बार ये भी देखा गया है कि महिलाएं भी इस लिबर्टी का गलत फ़ायदा उठा लेती हैं। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि बहुत से झगड़े, बहुत से विवाद इस किस्म के पैदा हो जाते हैं कि लड़कियां लड़कों की तरह से जो घर से बाहर जाके और स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से बाहर भाग जाती हैं, जिसको आपने सुना होगा हरियाणा में, तो वो खाप पंचायत के विषय बन जाते हैं, जो बहुत बुरी बात है। लेकिन इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी थोड़ा जो है संयम से काम लेना चाहिए, क्यों मर्यादा से काम लेना चाहिए, क्यों वो खा पंचायत के जो विषय हैं उनका सब्जेक्ट क्यों बनती हैं, वो घर से भागने की इतनी स्वच्छंदता की क्या ज़रूरत, क्या जल्दबाजी होती है इस तरह से। और कई बार बड़ा बुरा भी लगता है ये सुनते हुए कि जब किसी टीवी चैनल पे संवाद चल रहे होते हैं, वार्तालाप चल रहा होता है, डिस्कशन होती है, तो बहुत से लोग ये पूछते हैं भाई सीता ने भी स्वयंवर किया था, ये लड़की भी घर से भाग गई तो क्या बुरी बात हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि सीता का स्वयंवर परिवार और समाज की स्वीकृति से था। संविधान भी एक चीज़ है, परिवार एक चीज़ है, उसके साथ साथ समाज भी एक चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देश और समाज की लड़कियों को जो सामाजिक परंपराएं हैं, जहाँ तक संभव हो सके अपनी मर्यादा में रहने की कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है नौकरी अलग चीज़ है, स्वतंत्रता अलग चीज़ है, अधिकार अलग चीज़ है, उसके साथ साथ उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लड़कियां हैं, फेयर सेक्स है, और वो इतनी स्वच्छंदता से घूमना अफोर्ड नहीं कर सकती जितना उनके भाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि माता पिता को भी चाहिए कि घर के काम काजों में लड़कों को इन्वॉल्व करें। लड़कियों को, उनको क्यों नहीं खाना बना सकते लड़के, घर में झाड़ू क्यों नहीं दे सकते, पोछा क्यों नहीं लगा सकते, इसके लिए, हाँ इसके लिए कोई खास किस्म की ट्रेनिंग थोड़ा लेनी पड़ती है। मेरे पिता गांव में रहते हुए आज से 70 साल पहले ये कहा करते थे, जब मैंने स्कूल में जाना शुरू किया, मेरे भाइयों को कहते थे कि भाई ये तेरी बहन ने कोई गोबर उठाने का या झाड़ू देने का कोर्स थोड़ा कर रखा है, ये काम तुम भी कर सकते हो बेटा। और मेरे फादर ने भाइयों से ये काम करवाए, सारे काम मुझे नहीं सौंपे कि लड़कियों के करने का काम है, जैसे यानी कैटेगरी हम बना देते हैं। हाँ घरों में, हाँ वो देखिए आज से 65-70 साल पहले गांव में रहते हुए मेरे किसान पिता ने हमें पूरी इक्वालिटी देने की कोशिश की, स्कूल में भेजा, उनकी तारीफ करती हूँ मैं आज भी, और उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम है कि मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ। और प्रोबेबली मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे भारत में मैं ही एक ऐसी बेटी, मैं कह सकती हूँ ऐसी बेटी हूँ जो IAS बनी, 3 जिलों में डिप्टी कमिश्नर भी रही, और माता पिता मेरे पढ़े लिखे नहीं थे, पूरे भारत में एकमात्र मैं ही हूँ ऐसी कैटेगरी में। ये माता पिता की सोच का परिणाम मैं समझती हूँ उस समय। लेकिन मैम जैसे आपके अगर कार्यस्थल की बात करें, जैसे आपका चैम्बर है, आप वहाँ पे काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो एक मेल ऑफिसर्स हैं या जो पुरुष अधिकारी हैं उनको वही सारे अधिकार और प्रिविलेजेस सभी समान हैं जो आपको मिले हैं? आपको कहीं लगता है कि उसमें कोई अंतर है, आपको कम है, उनको ज़्यादा है? ऐसा मैं थोड़ा सा जैसे,
लेडीज़ कम हैं। हाँ जी, अभी एडवोकेसी में भी देख लो, जुडिशरी में भी आगे हैं, वैसे काफ़ी आगे हैं, अब तो 50% हो गई हैं, लेकिन एडवोकेसी में लेडीज़ कम हैं और जेंट्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ भी थोड़ी सी जैसे जेंट्स में ही है ना, लेडीज़ के प्रति जो इक्वलिटी नहीं है, नज़रिया उनका बहुत ही, हाँ अभी भी बहुत ही वीक है कि भाई वो बड़े ही लो नज़रिए से देखते हैं लेडीज़ों को। तो अब भी जैसे है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सब अपने राइट्स जान चुके हैं, तो इसमें बदलाव लाया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है बिल्कुल। तो इसके लिए ही लेडीज़ों ने अब औरतों ने ही अपने वो उठाए हैं स्टेप, जागरूकता की वो नहीं, जागरूक भी हो रही हैं। अब जैसे कॉलेजों में जाते हैं तो लीगल एड के कैंप्स लगते हैं, हमारे भी कैंप लगते हैं, लीगल एड के भी लगते हैं, तो अवेयर भी कर रहे हैं कि भाई आपके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, तो वो उनको जानते हुए भी उनको फिर वो फाइटिंग कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा मैम इनको। जेंडर सेंसिटाइजेशन एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है, स्पेशली अगर हम बात करें पुरुष प्रधान समाज में, और अगर बच्चों के केस में अगर बात करें कि स्कूल में ही शुरू से करिकुलम में अगर उन्हें पढ़ाया जाए जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में, जो लिंग संवेदनात्मक उनके उनके अंदर डाली जाए, तो आपके विचारों में क्या यह कदम महिलाओं के अधिकारों की समानता में सफल साबित हो सकता है, अगर उनके स्कूल से ही उनको एजुकेशन के सिस्टम में ही जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में उनको पढ़ाया जाए? हाँ, मैं ये समझती हूँ कि ये सब्जेक्ट ज़रूर स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही जेंडर सेंसिटाइजेशन की ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि एक लड़के की बहन उसी स्कूल में पढ़ती है या घर में रहती है, तो वो अपनी बहन को आदर देना सीखे, उसके काम में सहयोग करे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर लड़का, मिसाल के तौर पर एक ही घर में लड़का भी टीचर है, उसकी पत्नी भी टीचर है, तो दोनों घर में आके झाड़ू कौन देगा, बर्तन कौन मांजेगा। मेरे हिसाब से ये काम शेयर करके होना चाहिए, तब समाज उन्नति करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हरियाणवी समाज का ढांचा है ना, खास करके रूरल बेस्ड इकोनॉमी की अगर मैं जिक्र करूं, तो ज़्यादातर हरियाणा निवासी गाँव में रहते हैं 70% के करीब, और उसमें देखें कर्मचारी वर्ग, जैसे पटवारी है गाँव में, पटवारी इज़ दी फर्स्ट विजिबल सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी इन दी विलेज। तो पटवारी आपने कोई महिला सुनी है? बाकी नंबरदार नियुक्त होते हैं, नंबरदार ये इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नियुक्त करते हैं नंबरदारों को, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन कोई महिला नंबरदार उस समय तो बनी नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2-4 ही होंगी पूरे स्टेट में महिला नंबरदार। इसके अतिरिक्त अब जैसे ज़्यादातर, जैसे मैं कह चुकी हूँ कि जो रूरल बेस्ड इकोनॉमी है ना, ये एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस्ड है हमारी इकोनॉमी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का आप देखें कितना विषय ये चल रहा है ना, और महिलाएं इस बारे में सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। इस बारे में क्यों चिंतित हैं वो? क्योंकि ऐसे कानून बनने जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहीं भी बेची जा सकती है। महिलाएं चिंतित हैं कि वो कहाँ लेके जाएंगी प्रोड्यूस, अगर किसी घर में सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष नहीं हैं, तो वो उसको बेचने के लिए कहाँ लेके जाएंगी। ऐसा ये सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए महिलाओं के बारे में भी, इकोनॉमी के बारे में भी, कि केवल पढ़ा लिखा तबका या जो गुजारा करने वाला समाज जो है वो सिर्फ पढ़े लिखे तबके से नहीं बना। बहुत लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको भी अपना जीवन यापन करना है किसी तरह से। तो इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए जहां महिलाओं को, लड़कियों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, वो नारी होने के नाते, लड़की होने के नाते अपने आप को कम महसूस ना करें। ऐसा मेरा विचार है। मैम, जैसे जेंडर पे गैप की बात करते हैं, लिंग के आधार पर वेतन का जो अंतर है एक हॉट इशू है ये, तो इसके बारे में आप उभरती अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो महिलाओं के वेतन में जो अंतर है उसके क्या कारण आप समझते हैं, और क्या इसमें कोई बदलाव की अपेक्षा है?
मैम वैसे तो आज के इस टाइम में महिलाओं को और पुरुषों को सैलरी तो इक्वल दी जा रही है, ऑलमोस्ट जो जॉब्स हैं तो इक्वल दी जा रही है, लेकिन फिर भी जैसे लोअर कैटेगरी में है, अब लोअर जो आगे जैसे मजदूरी वाले उसमें आगे या कहीं किसी और उसमें है, तो उनको महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम काम करती हैं इसलिए उनको कम सैलरी दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं, देखा ऑलमोस्ट ये जाता है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। महिलाएं हर किसी भी फील्ड में जाके देखें तो महिलाएं ज़्यादा अपनी ड्यूटी के प्रति लायबल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती बहुत हैं, ऑनेस्टी हैं। के साथ काम करती हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है। तो जो ये है, जो थॉट है कि भाई हम पुरुषों से कम जो आंकने वाली, ये हमारे पुराने टाइम से ही चली आ रही है, क्योंकि पुरुष पुरुष प्रधान प्रधान समाज समाज है। रहा है, तो इसीलिए महिलाओं को दबाने के लिए, उनके प्रेशर बनाए रखने के लिए उनको कम आंका जाता है। तो ये वैसे गलत है मैम, सभी जब इक्वल काम कर रहे कर हैं, रहे हैं इक्वल तो एजुकेशन है, हाँ जी इक्वल उनकी पोस्ट है, तो सैलरी भी इक्वल इक्वल ही होनी चाहिए। होनी चाहिए। आज के परिवेश में आप क्या समझते हैं कि महिलाओं को क्या कदम उठाने चाहिए अपनी अधिकारों की समानता को लेकर के, जब इस प्रसंग में बात आती है तो वो खुद अपने लिए क्या कदम उठा सकती हैं? जहाँ तक महिलाओं का संबंध है, उन्होंने अपना कर्तव्य काफ़ी अच्छी तरह से पालन करने की कोशिश की है। संविधान ने जैसे उनको समानता के अधिकार दिए, तो उस समानता को उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से उसको से इस्तेमाल किया है, पढ़ने की कोशिश की है, विभिन्न क्षेत्रों में आई हैं और बड़ी सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। इसी तरह से चलना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। आज आप नारी समानता दिवस के अवसर पर नारियों के अधिकारों की समानता को लेकर के क्या संदेश देना चाहती हैं? देश की सभी नारियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगी, और जो भी वो कर रही हैं और कानून ने उनको जो जो अधिकार दे रखे हैं उससे वो बहुत आगे बढ़ी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो देश में एक रेवोल्यूशन सी आ गई है, नारियां हर क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और सफलतम तरीके से काम कर रही हैं। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आपसे भी यही पूछना चाहती हूँ कि क्या जी आप संदेश देना चाहते हैं आज के इस शुभ अवसर पर? मैम, मेरा जो संदेश है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे महिलाएं अब अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और जागरूक होकर वे समाज में आगे आ रही हैं, अपने अधिकारों के लिए वो फाइटिंग कर रही हैं और वो इक्वल स्टेज पे आने की कोशिश कर रही हैं, और उस ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और उन्हें ये करता रहना चाहिए कि लगातार ऐसे ही करते रहें कि एक ना एक दिन उन्हें भी इक्वल आंका जाएगा, समाज इक्वल सिचुएशन पे आ जाएगा, पुरुष प्रधान से हटकर ये महिलाओं को भी इक्वल सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन जैसे वो कर रही हैं आगे एजुकेशन के क्षेत्र में या हर किसी क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के साथ मिलके काम कर रही हैं, उनसे आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसे उनको करते रहना चाहिए, और इसमें हमारे परिवार में, परिवार को, समाज को भी इसमें लड़कियों को सहयोग देना चाहिए ताकि वो भी एक इक्वल स्टेज पर आ जाए और लड़के और लड़कियों की भिन्नता खत्म होकर उनमें समानता आ जाए। महिला समानता दिवस महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के बारे में है और इस बात के प्रासंगिक है कि अनेकों अनेक बाधाओं और उत्पीड़न को झेलने के बावजूद प्रगतिशील महिलाओं ने न केवल अपने स्वरूप को निखारा है बल्कि संपूर्ण समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में सक्षम साबित हुई हैं। लैंगिक समानता एक फीमेल इशू नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक अनिवार्यता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक सशक्त नारी ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। श्रीमती जयवंती शोकन जी और श्रीमती सुशीला धनखड़ जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इस शुभ कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।